शनिवार को मंडलायुक्त अनिल कुमार ने एनआईसी में मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संभावित बाढ़ की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि बंधों की पुनः जांच कर उन पर जो भी रेनकेट रेन होल हो उनको तत्काल ठीक कराया जाए। उन्होंने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक बंधे पर एक एक जेई एई की ड्यूटी लगाई जाए जो लगातार बंधों की निगरानी कर कमियों को दूर करेंगे। मंडलायुक्त ने सभी राहत शिविर, बाढ़ चौकियों, नावों की व्यवस्था, भूसा राहत सामग्री की तैयारी एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संवेदनशील स्थानों पर अभी से बोरे, बोल्डर एवं अन्य बचाव की सामग्री की व्यवस्था करा ली गई है तथा लगातार उस पर नजर भी रखी जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, सीडीओ अनुज सिंह, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर एस के सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया। तो क्या आपने कोई आपने कोई टेंडर डाल दिया है क्या? नहीं सर, कुमार नहीं था, 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 हो जाए। हाँ, इस बार करवा दीजिएगा, देखिए आपकी कार्य कुशलता पे और आपकी कार्य शैली मतलब कार्य पे आपका प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बाढ़ की तैयारी को लेकर बैठक थी, चारों जिलों में ये कहा गया है कि बाढ़ को लेकर भी ये कहा गया है कि जो हमारे बंधे हैं उनको एक बार चेक करा लिया जाए और जो हमारे बाढ़ शरणालय हैं, बाढ़ चौकियां हैं, उनको भी ऑपरेशन किया जाए।